इस वीडियो में हम ब्लॉक डायग्राम का एक ऐसा एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा इनपुट हैं। अब आपको ऐसा एग्जाम्पल कहीं पर भी देखने को मिल सकता है, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चन दे सकते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा इनपुट हो या फिर एक से ज्यादा आउटपुट हो, या फिर एक से ज्यादा आउटपुट और इनपुट दोनों एक ही एग्जाम्पल में आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर तो हमारे पास R1 और R2 दो इनपुट है जबकि CS एक आउटपुट है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जब दोनों इनपुट अकेले अप्लाई हो रहे हो तो आपको सॉल्व करना है इस ब्लॉक डायग्राम को, और जब दोनों एक साथ अप्लाई हो रहे हो तो आपको सॉल्व करना है। तो आपको दो बार में सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अब आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था जिसके अंदर एक से ज्यादा आउटपुट भी हो सकते हैं, तो उसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिया जाएगा। वहां पर आपको डायरेक्टली ये लिख भी सकते हैं कि C1 अपॉन R1 सॉल्व करिए, C2 अपॉन R2 सॉल्व कीजिए, या फिर C2 अपॉन R1 सॉल्व कीजिए, या फिर C1 अपॉन R2 सॉल्व कीजिए। ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन आपको दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो आपको इस एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब जब भी आपके पास ऐसा एग्जाम्पल आ जाए तो आपको एक इनपुट को एक बार में लेना है, बाकियों को जीरो कर देना है। अब यहाँ पर एक दूसरा इनपुट जो है वो R2 है तो इसको मैं जीरो कर दूंगा। अगर यहाँ पर R3 R4 भी होते तो मैं उनको भी जीरो कर देता और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सॉल्व करता। तो R1 को मैंने यहाँ पर ले लिया और R2 को मैंने जीरो कर दिया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सर कि R2 इज इक्वल्स टू जीरो टेकिंग R1। अब जब आप यहाँ से R2 को यहाँ पर एलिमिनेट कर, इस सिग्नल को ही हटा देना है यहाँ से। तो जब आप इस R2 को यहाँ से हटा देंगे तो आपके पास ये लूप बचेगा, सिंपल ये ब्लॉक डायग्राम आपके पास बन जाएगा जिसको मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ। ऐसा ब्लॉक डायग्राम आपके पास बन जाएगा, R2 यहाँ से हट चुका है। इसके बाद आपके पास इस ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करना तो अब तो आपको बहुत आसान बन गया होगा। तो आप यहाँ से इसको फीडबैक एलिमिनेशन के साथ इस ब्लॉक को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एक ब्लॉक बनेगा सिंगल, उसको इसके साथ कैस्केड में सॉल्व करेंगे और फाइनल जो ब्लॉक बनेगा उसको इसके साथ फीडबैक एलिमिनेशन के साथ सॉल्व कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सर G2 अपॉन 1 प्लस G2H2। ये मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है नेगेटिव साइन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव ले रहा हूँ। अब इसके बाद इन दोनों को कैस्केड में सॉल्व कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों का गेन जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो G1 G2 अपॉन 1 प्लस G2H2। इसके बाद इन दोनों का फीडबैक एलिमिनेशन से साथ सॉल्व करना है आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर वाली टर्म होगी G1 G2 अपॉन 1 प्लस G2H2 अपॉन 1 प्लस, क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन है, क्वेश्चन में यहां पर नेगेटिव साइन है, तो 1 प्लस आएगा इनटू दिस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर आपके पास लिखेंगे G2 अपॉन 1 प्लस G2H2 इनटू H1। ठीक है, तो यहां से जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी G1 G2। इसको जब आप इधर ले जाएंगे, ये वाला टर्म और ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी फाइनली। तो यहां पर आप लिखेंगे 1 प्लस G2H2 प्लस G1 G2H1। इस तरीके का आपका एक सिंगल ब्लॉक बनेगा जिसमें आपके पास आउटपुट होगा CR1 और इनपुट जो होगा वो आपके पास होगा R1। जब मैं आपको पूछूं कि CR1 अपॉन R1 क्या लिखना है, तो आप ये ब्लॉक डायग्राम का जो अंदर गेन है इसको आप लिखेंगे और यही आपका ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो 1 प्लस G2H2 प्लस G1 G2H1, ये आपका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन है जब आप CR1 अपॉन R1 के रेस्पेक्ट में इसको निकाल रहे हैं, जब आप R1 को कंसीडर कर रहे हो और R2 को जीरो मान रहे हो। अब आपको क्या करना है कि R2 को लेना है और R1 को जीरो मानना है। तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं सर टेकिंग R2 R1 इज इक्वल्स टू जीरो, R1 को जीरो मानना है, R2 को लेना है। तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए जहां से जब आप सिग्नल देते हैं तो वहां से ही आपका शुरू होता है ब्लॉक डायग्राम बनना। तो फॉरवर्ड पाथ की जब आप बात करेंगे तो ये फॉरवर्ड पाथ में अब कंसिडर नहीं होने वाला है क्योंकि ये आउटपुट से इनपुट की तरफ आ रहा है, ये इनपुट की तरफ सिग्नल है, तो ये फीडबैक पाथ होगा। जो इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहे हैं वो ही फॉरवर्ड पाथ कहलाएंगे। तो ये R2 वाला जो पाथ है, ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड पाथ आपका इस डायग्राम में कहलाएगा।
तो ये आपके पास फॉरवर्ड पाथ हो गया, ये आपका पास फीडबैक हो गया, ये भी फीडबैक हो गया, और अब यहां पर जब आपके पास कोई सिग्नल है ही नहीं, तो ये पूरी जो टर्म है ये पूरा एक साथ जुड़ेगा, क्योंकि इसको आप हटा दीजिए, यहां से रिमूव कर दीजिए, तो अब ये पूरा एक साथ बनेगा। समिंग पॉइंट को भी हटा देंगे तो ये पूरा आपके पास सिंगल ब्लॉक बनेगा। ये वाले जो टर्म है इसको तो आप वैसे की वैसे ही सोल्व करेंगे जैसा कि आपने पहले सोल्व किया था। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास यहां पर ये आ जाएगा जी टू अपॉन वन प्लस जी टू एच टू। तो आप इसको कुछ ऐसा देख सकते हैं, इसको हटा देता हूं। तो ये देखिए, इसके अंदर हमने आर टू को जीरो माना, तो हमने यहां पर आर टू को आर वन को जीरो माना, तो हमने यहां पर आर वन को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद जी टू अपॉन वन प्लस जी टू एच टू हो गया था, तो ये जी टू अपॉन वन प्लस जी टू एच टू हमारे पास आ गया। और जो G1 था, ये G1 अब इसके साथ कैस्केड में सॉल्व नहीं होने वाला है, ये G1 इसके साथ कैस्केड में सॉल्व होगा क्योंकि ये इसके साथ है। तो यहां पर ये G1 और H1 इसके साथ आ गए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके पास ऐसा कुछ बनेगा। अब आप इन दोनों को फीडबैक एलिमिनेशन के साथ सॉल्व कीजिए, तो उसके अंदर आप सॉल्व करेंगे सर G1 अपॉन 1 प्लस जी टू एच टू अपॉन 1 प्लस ये वाली टर्म आपने ऊपर लिखी, अब यहां पर 1 प्लस ये वाली टर्म इंटू ये वाली टर्म, तो आप लिखेंगे जी टू अपॉन 1 प्लस जी टू एच टू इंटू जी वन एच वन। ठीक है, यहां नीचे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो जो फाइनली आपके पास बनेगा वो ये बनेगा सर जी टू अपॉन 1 प्लस जी टू एच टू प्लस जी वन जी टू एच वन। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम ऐसे बन जाएगा। इस जगह जो है यहां पर सी आर टू इस बार आने वाला है क्योंकि आर टू के रेस्पेक्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर भी आर टू आ जाएगा। तो आपके पास अब जो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन है वो हो जाएगा सी आर टू अपॉन आर टू इज इक्वल्स टू। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर बनी टू और ये आपके पास इक्वेशन नंबर थी वन। अब आप कहेंगे सर इसमें और इसमें क्या फर्क है, तो इसमें और इसमें आप जब गौर से देखेंगे तो यहां पर एक जीवन वाली टर्म थी और यहां पर नहीं है, बाकी नीचे वाली टर्म तो सेम है। अब जब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जब दोनों इनपुट एक साथ अप्लाई हो रहे हो तब क्या होगा, तो साइमल्टेनियसली जब आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करेंगे सी अपॉन आर के लिए, जो सी है वो टोटल आउटपुट है, आर जो है वो टोटल इनपुट मैंने मान लिया। तो यहां पर आर को मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं कि जब आर वन प्लस आर टू एक साथ सॉल्व हो रहे हो तो उसको मैंने आर मान लिया। तो यहां पर आप लिखेंगे सी आर वन अपॉन आर वन प्लस सी आर टू अपॉन आर टू, तो मतलब दोनों का जो रिजल्ट था उन दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो यहां पर जब मैं दोनों को ऐड करने वाला हूं तो पहला रिजल्ट तो मेरे पास ये है, तो सी अपॉन आर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई जो आपका आंसर होगा। अब आपके पास अगर और से और भी ज्यादा इनपुट्स हो तो आप और ज्यादा टर्म्स ऐड कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा इनपुट या एक या एक से ज्यादा आउटपुट आपको दे रखा हो। जो भी आपको दे रखा होगा, मान लीजिए यहां पर आपको सी अपॉन आर वन ने आपने सॉल्व कराया, अगर यहां पर सी आर वन आर थ्री के साथ सोल्व करना होता तो आप आर थ्री वाले को ले लेते, बाकी सबको जीरो कर देते। उसी तरीके से जो आउटपुट ले रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में आप सोल्व कर सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम पर मैं सफिशियंट एग्जाम्पल्स करवा चुका हूं, अगर आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पर कुछ और एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां पर सर्च बटन पे यूजर नेम आपको डालना है @इलेक्ट्रिकल पाठशाला, तो आपको सर्च रिजल्ट्स में अपना चैनल दिख जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।